हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं इन प्यारे से गुड़हल के फूलों के साथ। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है मेरा गुड़हल का पौधा, और ये देसी गुड़हल में भी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड। और आप देख सकते हो मिट्टी सूखी हुई है, तो इस पौधों में पानी डालना भी पड़ेगा। तो आज मैं कुछ पौधों को रिपोर्ट करूंगी फ्रेंड, जो भी मैंने कटिंग वगैरह लगाई थी तो उनको पॉट नहीं था और जगह भी कम पड़ गई है मेरे गार्डन में, और पॉट भी नहीं थे तो मैंने कटिंग ऐसे ही रख दी थी। पर कटिंग पे अभी फ्लावरिंग हो रही है तो मैंने सोचा उसे पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी और मेरे और पौधे तैयार हो जाएंगे फेंकने की बजाय, क्योंकि मैंने गुड़हल के एक दो पौधे फेंक दिए हैं फ्रेंड, क्योंकि मेरे गार्डन में कम जगह है और पॉलीबैग में लगाऊंगी, फिर भी जगह कम होने के कारण मैं ज़्यादा पौधे इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने वो पौधों को हटा दिया है पॉलीबैग से, और आज मैं एक दो पौधे जो खिले हुए हैं, गुलाब का पौधा है एक कटिंग से बना हुआ, तो उसमें कलियां भी आई हुई है, पर अभी दिखाती हूँ। ये देखिए पॉलीबैग में ही है कलियां भी, फूल खिल ही रहे थे, पता नहीं वो कौन से बर्ड आती है तो कलियां ख़राब कर देती है। तो मैंने सोचा रेड कलर देसी गुलाब है बड़ा साइज का, तो इसे रिपोर्ट कर दूंगी अभी पॉलीबैग में, नहीं तो मेरा मन नहीं था ये पौधा रखने का, तो मैंने ऐसे ही पॉलीबैग में रख दिया था। और ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट इधर रख दिए मैंने, सभी स्पाइडर प्लांट मेरे रनर से तैयार किए हुए हैं फ्रेंड, बहुत सारे, आधे से ज़्यादा गार्डन में मेरे स्पाइडर प्लांट भर लेंगे, इतने सारे हो गए हैं। और जो रनर से तैयार हुए हैं उनके भी अभी रनर निकल रहे हैं फ्रेंड, और जो मदर प्लांट है उसके भी रनर, न्यू न्यू रनर निकल रहे हैं। तो मैंने कुछ प्लांट जो स्पाइडर प्लांट है वो पॉलीबैग में रखी थी, तो उनको भी थोड़े थोड़े गमले दूंगी, जब भी मेरे गमले खाली हो जाएंगे। तो इसमें गुलदावरी लगाई हुई थी मैंने, तो ये पूरा नई मिट्टी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये गोबर की खाद, और इसमें मिक्स कर दूंगी मैं अच्छे से। और छोटी छोटी गुलदावरी थी इसमें तो मैंने निकाल ली है, तो इसी में मैं गुलाब के पौधे को रिपोर्ट कर रही हूँ और इसे मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो ये खाद में गोबर की खाद भी है और गैट में सॉरी जो बकरी की मैनुअल होती है उसका भी मिक्सर है, तो एक ही हमारे इधर गांव में वो खाद रहते हैं ना, तो उसी में मैं लाई हूँ। और ये देखे डीएपी और पोटास और एप्सम साल्ट को मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से, और ये पॉलीबैग में अभी मैं वो गुलाब के पौधे को लगाऊंगी। और साइड में बिल्डिंग होने की वजह से मेरे गार्डन में अच्छे से धूप भी नहीं आती है, मतलब पूरे दिन की धूप नहीं आती है, तो उसी की वजह से भी जो धूप वाले पौधे हैं वो ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करते होंगे, जैसे कि गुलाब के पौधे को भी अच्छे से धूप चाहिए पर पूरे दिन की धूप नहीं ठहरती है। और ये देखिए ये ऑयल कैन के जो मैंने बनाए थे गमले, उसमें ये स्पाइडर प्लांट को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ अभी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये स्पाइडर प्लांट कौन से पॉटिंग मिक्स में लगाया है। आप देखिए सॉइल मिक्स का मीडिया क्या है, ये देखिए ये तो ना तो मिट्टी है ना रेत है ना खाद है, ये सिर्फ राइस हस की राख है फ्रेंड, और आप इसकी ग्रोथ देख ही सकते हो। और मेरे जितने भी पौधे लगे हुए हैं ये स्पाइडर प्लांट के, जितने भी रनर मैंने लगाए थी सभी मैंने राइस हस की राख में लगाए हूँ, और आज तक मैंने जो रिपोर्ट भी नहीं किए हैं वो भी इतने स्पीड से बढ़ चुके हैं कि मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी तो दिखाऊंगी फ्रेंड। बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है, और क्योंकि राइसस की राख एक तरफा मतलब वो खाद का ही काम करती है और बहुत ही हल्की होती है फ्रेंड, हम मिट्टी भी नहीं डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। तो मैंने इसे इस ऑयल कैन के जो गमला बनाया था मैंने उसी में मैंने ये लगा दिया है, रिपोर्ट किया है। जैसे जैसे मुझे
मिल जाएगा, पॉट खाली हो जाएंगे मेरे, तो मैं ये स्पाइडर प्लांट को रिपोर्ट करती रहूँगी, क्योंकि ज़्यादा गमले नहीं हैं। और ये देखिए, ये गुल्लक जो हम बच्चों के लिए लेते हैं पैसा वगैरह जमा करने के लिए, उसमें भी मैंने स्पाइडर प्लांट को लगा दिया है। और जो गुलदाउदी के छोटे पौधे निकाले हुए हैं मैंने, तो उनको भी मैं छोटे छोटे ये नर्सरी से जो पॉलीबैग आते हैं उसमें मैंने रिपोर्ट कर दिया है फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने आज अपने गार्डन में छोटा सा वर्क किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की। तो इस तरह से देखिएगा वीडियो।